मेरा जो आज का मैंने कुछ आंसर देने हैं, जो पेंडिंग है वो है फेलियर से लेके। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फेल हो गए लाइफ में तो डिस्करेज हो जाते हैं। गुड टू सी यू टू सान्या। कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमें कोई लाइफ में कोई प्रोजेक्ट किया, कोई हमने कोई डेवलपमेंट की, हमने कुछ लिखा, सपोज जैसे मैंने बुक लिखी, सपोज वो नहीं बिकी तो हम डिस्करेज हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार मैं इतना मेहनत किया और कुछ हुआ नहीं क्या। हेलो नुपुर, हेलो अभिषेक, हेलो दिनेश जी। मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि फेल होने में और फेलियर के होने में दोनों में बहुत फर्क है। एक होता है फेल होना, एक होता है फेलियर हो जाना। हाय सारिका, हेलो रेखा जी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए, कुछ भी आपने किया और आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फेलियर हो गए। फेलियर होना मींस हमेशा के लिए हार जाना, लेकिन फेल होना मींस आपने कोई एफर्ट किया और आप वो नहीं ठीक निकला और आप सक्सेसफुल नहीं हुए जो आपने सोच के वो शुरू किया था प्रोजेक्ट, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। तो आज से आप ये बात जरूर याद रखना कि फेल और फेलियर में बहुत फर्क है। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट द न्यू प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर फेलियर ऑफ वन प्रोजेक्ट। आई थिंक सान्या आप बहुत गलत सोच रही हैं, बिकॉज एडिसन की बात है या आइंस्टाइन, आई थिंक आइंस्टाइन की बात है कि आइंस्टाइन ने 500 रिसर्चेस की, डेवलपमेंट्स की और 500 की 500 फेल हो गई। और उसके बाद एक जर्नलिस्ट उनके पास आए, हेलो दिनेश जी, उसके बाद एक जर्नलिस्ट उनके पास आए, उन्होंने बोला कि अब तो आप कोशिश ही नहीं करोगे क्योंकि 500 बार आप हार गए हो। उन्होंने बोला नहीं, मुझे ये पता चल गया कि इन 500 तरीकों से मैं ये चीज़ नहीं बना सकता जो वो कोशिश कर रहे थे। हेलो उषा जी, या हाय थ्यागू। उन्होंने ये बोला कि 500 तरीकों से मुझे ये समझ आ गया कि मैं ये चीज़ नहीं बना सकता, तो मुझे अब नए तरीके से बनानी है, मतलब 500 से दोबारा ट्राई नहीं करना है। तो फेल होने का मतलब है कि हम तजुर्बेकार हो गए, हमारा एक्सपीरियंस हो गया कि ये ऐसे नहीं चलता है, हमें कुछ नया तरीका अपनाना है, राइट। आप उसको फेलियर मान रहे हैं कि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट करने में आपको एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसे नहीं होगा, लेट मी ट्राई सम अदर वे, राइट। प्लीज ये बात मेरी याद रखिएगा क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं एक किसी ने खूब कहा है, अभी कान छू शायद, अभी कान छू शायद इसलिए चुभ रहा हूँ, अभी कान छू शायद इसलिए चुभ रहा हूँ, मगर एक दिन देखना, मगर एक दिन देखना मैं आईना बन जाऊंगा फिर दुनिया देखेगी, मगर एक दिन देखना मैं आईना बन जाऊंगा और फिर दुनिया देखेगी। नीचे और बहुत मैसेजेस हैं। या उषा जी, हेलो सारिका, या हाय विशाखा, हेलो रुपेंद्र जी, हाय नीतू, हेलो नीलम, मनोज जी, विशाखा, या हाय रेनू, या गॉड ब्लेस मी, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू। सानिया इज आस्किंग व्हाट डू यू डू व्हेन यू डोंट गेट एनी क्लैरिटी और डायरेक्शन टू डू एनीथिंग, फेलियर टीचर्स द वे टू सक्सेस। या हेलो सुनील, हाय अनु, हेलो शिवानी। फेलियर डायरेक्शन एंड क्लैरिटी। मुझे एक याद आ गया कि हमारे एक मेरी आप मान ले कि स्पिरिचुअल एक गुरु हैं, मैं मतलब सीनियर हैं, लीडर हैं हमारी, तो उन्होंने एक बार बोला कि मैंने ना ट्रैवल एजेंट बनना था और मैं ट्रैवल एजेंट बनना चाहती थी लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। और मैंने कहते बहुत कुछ किया, जैसे मैंने लेक्चरर की जॉब भी की, मैंने कोई शॉर्ट टर्म 3 3 मंथ्स की कहीं और जॉब की, मैंने बहुत कुछ करता रहा, मैं करती रही, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि जब मैं ट्रैवल एजेंट बनी तो मुझे ये समझ में आया कि जो जो मैंने आज तक किया है वो सारा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उन सब ने से मैंने सीखा और वो सारी क्वालिटीज़ एज अ मे बी लेक्चरर, जैसे बोलने की क्वालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं,
वो सारी मैंने उन जॉब्स में सीखी, उन्होंने 7 जॉब्स बदली और उन्होंने बोला कि उसकी वजह से मैं आज जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई बिकॉज इन चीज़ों ने मुझे सिखाया। सो वरी मत कीजिए कि पता नहीं यही राइट डायरेक्शन है, जो भी हम कर रहे हैं। जैसे मैंने भी लॉ किया था, मैंने मास्टर ऑफ लॉ किया था और मेरा 16 साल, मेरे गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल मुझे मिले थे, दोनों लॉकर में डस्ट पड़ रही थी उन पर, कुछ नहीं हुआ, राइट। लेकिन अल्टीमेटली 16 साल बाद वो काम आए, राइट। सो थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच। उन्हें वो बोल रही हैं कि मैंने आपकी वीडियोस देखी और मैंने एक सिंगल मोमेंट भी वेस्ट नहीं किया, सो नाइस, सो नाइस, थैंक यू सो मच। बिकॉज बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब 3 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं, उन्होंने मोटिवेशन ली, खुश हो गए कि बड़ा अच्छा लेक्चर था जी, बड़ा अच्छा था, कल से मैं ये करूँगा, यू नो, और कल आएगी तब तक उनका मूड बदल जाता है, हेलो अंकुश, नाइस टू सी यू, सो उनका मूड बदल जाता है। और दूसरी तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि शाम को मैं प्लानिंग करूँगा कैसे करना है, अच्छा अच्छा क्या क्या पॉइंट बताए थे, लेट मी प्लान, और वो भी शाम तक उनका मूड बदल जाता है। क्योंकि जो मोटिवेशन होती है ना वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, वो ना एक ऐसे होती है जैसे नहा लिया, ब्रश कर लिया, खाना खा लिया, दोबारा भूख लग गई, फोन चार्ज किया, दोबारा से डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है। लेकिन अगर एक मोटिवेशन भी हमने एक्शन ही नहीं लिया, कुछ हमने अपने आप में चेंज नहीं किया, तो नेक्स्ट तो हमें कंटिन्यूसली उसको अप्लाई करना है। तो जो थर्ड तरह के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो अभी से अप्लाई करते हैं, जैसे ही कॉल खत्म हुई उन्होंने किया, तो जो इमीडिएटली अप्लाई करना शुरू कर देते हैं वो अल्टीमेटली चेंज होते हैं और वो ही लाइफ को चेंज कर पाते हैं। तो आप किस कैटेगरी में, आप कल वाली कैटेगरी में, आप शाम वाली कैटेगरी में, कि आप अभी वाली कैटेगरी में? तो अभी मीनू गोयल ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं शेयर को रिपीट कर दूं, उनको अच्छा लगा था, अभी कांच हूं शायद इसलिए सबको चुभ रहा हूं, अभी कांच हूं शायद इसलिए सबको अभी चुभ रहा हूं, मगर एक दिन देखना मैं आईना बन जाऊंगा, मगर एक दिन देखना मैं आईना बन जाऊंगा, फिर दुनिया देखेगी। हेलो अंकित जी, या थैंक यू सो मच, या ओके, हेलो मिस्टर नेगी। सो आपने उसी कांच को इकट्ठा करके एक आईना भी बन सकते हैं। तो ये जो हम फेलियर्स, हम जिसको कहते हैं ना कि फेल हो गए, हम डिस्करेज हो जाते हैं, मेन पॉइंट है हमने डिस्करेज नहीं होना है। तो कर दिखाओ कहते कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ऐसा कुछ करिए कि आप, आपको देख के दुनिया को लगे कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, यू नो, आप किसी के लिए एग्जाम्पल बन रहे हैं कि आप सारा दिन दूसरे को देख के डिस्करेज होते रहते हैं, उसको, उसने अप्रिशिएट नहीं किया या उसको ऐसा लगा। प्लीज आप क्वेश्चन भी लिखते जाएं, बिकॉज आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल, थैंक यू नीता। दूसरी बात जो मुझे आज आपसे करनी है वो ये करनी है कि टॉक्सिक लोगों से आप दूर रहें, यू नो, इवन जैसे मैं, मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी के रियल लाइफ है कि माउंट एवरेस्ट वाली, कि हाउ तेंजिंग नॉर्गे, यू नो, कैसे वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। तो जब वो 4 साल के थे ना, तो उन्होंने एक पिक्चर देखी, उसमें ये माउंट एवरेस्ट की तस्वीर देखी, तो उसको देख के उनको उन्होंने अपने फादर को कहा, 4 साल के थे वो, कि मैं इस माउंट एवरेस्ट, मतलब इस पहाड़ी पे मैं चढ़ूंगा। तो फादर ने वो पता क्या बोला, फादर ने क्या बोला, कब, है ना, कि कब चढ़ोगे, मींस अभी, व्हाट ही मेंट कि यस विल डू इट। और अगर दूसरे कोई फादर है वो क्या बोलते हैं, वो ये भी बोल सकते हैं कि अगले जन्म में चढ़ना, अच्छा बैठे रहो मेरे लाल, मेरे दुलाल, चुप रहो, माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे, राइट। तो क्योंकि उसके फादर ने ऐसा बोला कि हाँ चढ़ेंगे, उसने बोला कि आप बस मुझे ना प्रैक्टिस कराते रहना डेली, फिर मैं एक दिन ये चढ़ूंगा। और उन्होंने एक्चुअली डेली वो पेड़ पे चढ़ते थे, और उस बच्चे ने बोला कि मैं गिरूंगा तो आप प्लीज मुझे संभाल लेना, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पहाड़ी पे चढ़ूंगा। और उनके जो फादर थे वो जेन्युइनली डेली उनको पहाड़ उस पर लेके जाते थे, वो पेड़ पे चढ़ते थे, इसलिए वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाए। तो आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपको कितना इनकरेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं, वो बहुत मैटर करता है।
आप पे भी मैटर करता है। अगर आप भी सारा टाइम सिर्फ नेगेटिव बात ही करते हो तो नेचुरली फिर आपको भी वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो लेकिन आप अच्छे लोगों की कंपनी में रहें। हेलो अभिजी, हाय मोनिका, हाय सारिका, हेलो परवीन। सो जैसे कीचड़ तो में कमल तो खिलता है लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं खिलते ना। ह्यूमन बींग्स तो उसमें शायद मुरझा जाएंगे। अगर हम दुनिया की नेगेटिविटी अगर हम वैसे कहेंगे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स और चीज़ है, लेकिन जो लोगों की नेगेटिविटी है उसमें हमने नहीं खेलना है। जैसे कुछ लोगों को अगर हम बात करें कि हाउ आर यू, तो क्या बोलते हैं, कट रही है। तो आप सोचे वो आदमी क्या आपको इनकरेज करेगा, उसको सुन के लगेगा हाँ मेरी भी कट ही रही है, राइट? कहाँ कट रही है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कहाँ? और अगर दूसरे को हम पूछें, उसी से हम अगर पूछें कि क्या कर रहे हो, मतलब गोल क्या है लाइफ का, वो कहेगा लाइफ ही गोल है यार। हाँ, सो आप इस तरह के लोगों में रहते हैं जो आपको इस तरह के आंसर देते हैं, राइट? या आप पॉजिटिव लोगों में रहते हैं। सो आप जैसे मेरी बुक में, मेरी बुक है, कुछ लोग यहाँ नए हैं जिनको नहीं पता है, अ स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ। सो उस बुक में एक फुल चैप्टर है टॉक्सिक लोगों पे, कि कैसे एक छोटा सा सेंटेंस हमें बहुत मतलब बहुत ही डिप्रेस कर जाता है। तो हम वैसे वाले हैं या हम रियली उन लोगों को राधर या तो इनकरेज कर दें या उनसे हम दूर रहें। अगर हमारी कैपेसिटी अच्छी है तो हम उनको भी इनकरेज कर सकते हैं, और अगर हमारी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, अगर हम खुद ही बहुत ढीले हैं, एक सेकंड में हम ऐसे हो जाते हैं कांच की तरह है जो टूट जाते हैं, लेकिन हमें कांच अल्टीमेटली आईना बनाना है। तो अगर हम ये सब कर रहे हैं तो बहुत हम अच्छे इंसान बन जाएंगे जो दुनिया में रोशनी लाएगा, ना कि अपना ही टूटा दिल लिए घूमेगा और कहेगा बस कट रही है। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर सम क्वेश्चंस आल्सो। अच्छा लगता है आपके क्वेश्चन आते हैं तो मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि ये जो मैं जवाब दे रही हूँ वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे पर्सनली लोग लिखते हैं कि ये प्लीज़ हमें बताइएगा, लेकिन अगर यहाँ भी लाइव क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक मैंने बहुत अच्छी एक रिसर्च कर रही थी कि फेक लोग कौन होते हैं, क्योंकि हम टॉक्सिक लोगों की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे आपको मैं पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि कौन फेक लोग होते हैं। आपने 3 Idiots देखी है? हाँ, आप उसमें बता सकते हैं फेक कौन था, याद है आपको? लिख सकते हैं क्या निशानी थी उस फेक करेक्टर की? प्लीज आई एम वेटिंग। 3 Idiots में ऐसा कौन सा आदमी था जो फेक बातें करता था और वो एक्चुअली फेक था, और उसको आमिर खान, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, उसमें आमिर खान पहचान लेते हैं कि ये फेक है। हेलो राकेश जी, या सो हाय सुवीरा, सो कौन है, प्लीज आप लिख रहे हैं इसका जवाब, मैं वेट कर रही हूँ। 3 Idiots में ऐसा कौन था जो फेक था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा करेक्टर होता है फेक आदमी का, या प्रिंसिपल, ओके मुझे उसका एक्चुअली नाम नहीं याद है, चतुर भी फेक, पर एक और करेक्टर था, आप वे भी बता सकते हैं वो कौन था, वो करीना, यस सोनिया केम टू द पॉइंट, करीना फियंसी, जो करीना कपूर का फियंसी होता है जिससे उसकी शादी होनी हो रही है, है ना? तो वो क्या था उसमें, क्यों हम कह सकते हैं कि वो फेक था? जो लोग सारा दिन ब्रैग करते रहते हैं, सारा दिन अपने शूज बताएंगे कि ओ $300 के हैं, ओ आई हैव गॉट 5X, 5Q, 7Q, जो इस तरह की बातें करते हैं, अपने ब्रांड्स को बताते रहते हैं, वो फेक होते हैं। और मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वायरल फेक नहीं था, वो स्टक था, मतलब वो कांट से फेक था, उसका माइंड स्टक था, उसको लगता था इंजीनियर्स ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो फेक वो था, क्योंकि वो सारा टाइम अपनी मर्सिडीज, अपना घर, मेरी तो कोठी है, या मेरे पास Q7 है, या मेरे पास TV ऐसा है, या जो इस तरह के डॉलर्स में बात करते रहते, इतने डॉलर का है, शो ऑफ करते हैं, बेसिकली
ब्रैग करते हैं वो फेक लोग होते हैं। और दूसरी तरह के लोग कौन से होते हैं, जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े नहीं होते, वो बहुत फेक होते हैं। समटाइम्स डिस्टर्ब बाई लुकिंग एट द नेगेटिव एटीट्यूड, सो हाउ टू अवॉइड इट। यस, सो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग दूसरी तरह के लोग होते हैं, जो डार्क मतलब टाइम्स में, क्रिटिकल टाइम्स में आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। आप ऐसे किसी लोग को जानते हैं अपने एनवायरनमेंट में? हेलो अश्विनी जी, नाइस टू सी यू। हेलो निकिता, हाय सुमन, अच्छा मामी जी, हेलो। सो दूसरी तरह के, दूसरा करेक्टर होता है फेक लोगों का, एक तो होता है जो ब्रैग करते हैं, दूसरे होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बात सुन ही नहीं रहे होते। मेरे पास कुछ एक ऐसा एम्प्लॉय था, मुझे जब मैं ये पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो याद आया एक ऐसा एम्प्लॉय था कि उसको मैं कोई भी काम देती थी तो वो उसको याद ही नहीं रहता था हमेशा। ओ कब कहाँ, अच्छा मैं कहती थी मैंने मैसेज में भी लिखा है, देन वो फिर वो मतलब याद ही नहीं, और जब वो बात करता था तो ऐसे लगता था कि उसने सारा उसको समझ में आ गया। तो ये भी एक फेक लोगों की निशानी है, ऊपर से हाँ जी हाँ जी हाँ जी आई डू इट, पर वो नहीं करते हैं। तो आप अपने आप को भी देखना, हमने दूसरों को नहीं देखना है, हेलो रवि या सो, हमने अपने आप को भी देखना है। यस हिज नेम इज सुहास विजय, यस थ्री इडियट करेक्टर, यस। सो हमने सिर्फ ये भी देखना है कि मैं फेक तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं सारा टाइम ऐसे करता। चौथा जो मैं करते रहते हैं बकरी की तरह, वो भी फेक होते हैं। और पांचवा जो हमेशा दूसरे को नीचा दिखाते हैं, जो हमेशा अपने छोटों पे, एम्प्लॉयज पे या अपने सर्वेंट पे, ड्राइवर पे सारा टाइम उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने जूनियर्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो भी फेक होते हैं। जो आपके नेटवर्क में आपके साथ एंटर होके, मतलब आपके मान लो जी आप चार फ्रेंड्स हो, आपके नेटवर्क में एंटर हो गए और उसके बाद उनसे रिलेशन डेवलप कर लिया और आपको छोड़ दिया, वो भी फेक होते हैं। जो सारा टाइम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी फेक होते हैं। और या जो दो सारा टाइम लोगों को डिस्कस करते हैं, चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, लोगों को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते, वो लोगों को डिस्कस करते हैं, वो भी फेक होते हैं। हेलो सुष्मिता या सो और जो दूसरों को रिस्पेक्ट से डील नहीं करते, वो भी फेक होते हैं। जो किसी दूसरे की इज्जत नहीं करते, वो भी फेक होते हैं। तो आप किस कैटेगरी में हैं और आप क्या ऐसे लोगों के साथ रहते हैं या कौन है? दूसरा, हमने पीछे फेलियर की बात की, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए एंटर हुए हैं। सारिका कह रही है फेक पीपल आर द वंस हु आर गुड इन फ्रंट ऑफ यू बट आर बैड, यस ट्रू। सो अभी मैं अपना एक बार शेयर दोबारा से बोलती हूँ, क्योंकि उस पर मैं आपको एक किसी की लाइफ के बारे में बताऊंगी। अभी कान छू शायद इसलिए चुप रहा हूँ, मगर एक दिन देखना मैं आईना बन जाऊंगा और फिर दुनिया देखेगी। सो इस रिलेटेड, जैसे आपने कोई सपना देखा और आप उसको आपका पूरा नहीं हुआ और आप बहुत डिस्करेज हो गए, राइट? तो एक कम बैक वर्ड होता है, आई विल कम बैक, आई हैव कम बैक। सो उस वर्ड को कभी मत भूलिएगा, अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़िएगा। फेक लोगों से आप दूर रहिए, मैं यही बोलूँगी, उनको अवॉइड कीजिए, उनको इतनी इम्पोर्टेंस मत दें, और उनको उनके में कुछ अच्छा होगा बस वो ले लें, और आपको पता होना चाहिए कि ये फेक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप उसको डील कर सकते हैं। उसकी बातों में नहीं आए, इंश्योर करें जो आपने उससे जो भी करना है वो कर लें। तो दैट इज़, हेलो इंदिरा आंटी, नाइस टू सी यू, हाय वंदना, नाइस टू सी यू। सो अगर आप फेल भी हो गए हैं तो आपको कम बैक करना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। एक स्पेन में ना एक बच्चा था छोटा सा, 10 साल का, और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं फुटबॉलर बनूंगा और स्पेन का बेस्ट फुटबॉलर बनूंगा, राइट? और पेरेंट्स ने, जैसे मैंने बोला, कुछ पेरेंट्स तो बहुत इनकरेज करते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, और वो सपोर्ट करते हैं, और कुछ पेरेंट्स कहते हैं अरे रहने दे, छोड़ तू कैसे करेगा, या ये अच्छा नहीं है, डिस्करेज करते हैं। तो आप किस तरह के पेरेंट्स हैं? जैसे कुछ बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे से कि पेरेंटिंग पे बताइए, तो साथ साथ मैं कुछ कवर कर रही हूँ पॉइंट्स पेरेंटिंग पे।
अभी एक अगला क्वेश्चन आया तो मैं अभी देखती हूँ उसको, क्योंकि मैं पहले लेट मी फिनिश दिस. आपने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, आपने कमबैक करना है, तो वो जो फुटबॉलर था वो कहता है कि मैं स्पेन का बेस्ट फुटबॉलर बनूंगा, और पेरेंट्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया उसके. और जो उनका कोच था उसने भी जब उसकी आंखों में नशा देखा कि ये कितना इसमें जुनून है, तो उसने भी उसको बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया. और अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़ा गोल कीपर बनना चाहता था, जो वहाँ का क्लब है मेड्रिड, उसका वो बेस्ट प्लेयर बनना चाहता था. वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा था, वो 20 ईयर का हो गया, और वो बहुत साइन करने ही वाला था उस क्लब के लिए. अल्टीमेटली ही वॉज एक्सेप्टेड. हेलो रोड़ा जी, हेलो सोती जी, या वेलकम. जब वो क्लब में साइन होने वाला था, उस टाइम उसका एक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने से उसकी जो लोअर बेस वेस्ट है, मतलब बैक से नीचे तक का सारा पोर्शन डेड हो गया, और वो पैरालिसिस हो गया, और वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर सकता था, चल नहीं सकता था. फुटबॉल तो बहुत दूर की बात है. 1.5 साल वो हॉस्पिटल में रहा उस एक्सीडेंट के बाद. 1.5 साल मायने रखता है, ठीक है? तो उसको बहुत बुरा भी लगा, डिप्रेशन भी हुआ थोड़ी देर के लिए कि मैं तो कहाँ पहुंच रहा था और मैं कहाँ पहुंच गया, राइट? तो वो अल्टीमेटली उसने वहां पे पोइम्स लिखनी शुरू की, गाने लिखने शुरू किए, गाना गाना शुरू किया. और करते करते वो उसकी जो उसने सॉन्ग लिखे और उसने सॉन्ग रिकॉर्ड किए, 30 करोड़ उसकी कैसेट्स सेल हुई. 30 करोड्स, कैन यू बिलीव? हाँ. एंड उसका जो सॉन्ग था वो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ था, और जिसकी इतनी कैसेट्स बिकी, लाइफ गोज ऑन द सेम ही सेड. उसने ये सॉन्ग गाया. जितना नशा उसको फुटबॉल का था, उतना ही नशा उसको सॉन्ग्स का था, उतना ही जितना उसमें वो सक्सेसफुल होना चाहता था, अब वो इसमें हुआ. अब उसकी जगह कोई आप या मैं होते तो हम शायद डिस्करेज होके बैठ जाते कि लाइफ ने कहाँ ला के रख दिया, कहाँ तो मैं बेस्ट फुटबॉलर हो रहा था स्पेन का, और कहाँ मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ. हेलो राजा, या आप अब आप देखें कि लाइफ में कितनी ताकत होती है, कितनी पावर होती है, कि हम लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं या हम लाइफ में अटक गए हैं. अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम अटक गए. जब हम अटक जाते हैं उसको कहते हैं फेलियर. और जब जैसे वो फेल हुआ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, वो गिर गया, वो चोट लगी, वो मूव नहीं कर सकता था, दैट इज कॉल्ड कि ही फेल्ड, बट ही इज नॉट अ फेलियर. सो प्लीज हमेशा ये याद रखें. और उसका नाम था जूलियो इग्लेसिस. सो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फुटबॉलर कम म्यूजिशियन ऐसे करके भी फाइंड आउट करेंगे, आपको उसके बारे में मिलेगा. तो जैसे मैंने कहा, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तो ऐसा कुछ कर दिखाएं, डिस्करेज नहीं होए कि मैं फेल हो गया और अब मैं क्या, मैंने तो ये चाहा था बनना जिंदगी में और मैं ये नहीं कर पाया. इन सब से आपको ऊपर उठना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे. अब मैं आपसे एक पीछे क्वेश्चन आया था शायद मैम, बट हाउ टू डिफाइन सवीन नरवाल. ओके, सो सवीन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे आपकी एक बहुत क्राइटेरिया होता है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ नेगेटिव वैल्यू है, वो टॉक्सिक हैं, वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं, उनको तो आपको रखना ही नहीं चाहिए, या वो गधे हैं. एक कहते हैं कि घोड़ा है, एक कहते हैं कि गधा है लेकिन वो घोड़ा बन सकता है, तीसरा कहते हैं वो गधा है और गधा ही रहना चाहता है. तो पहले तो गधे को आप मत रखिए, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होना चाहता, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, कुछ आपको, आई एम सॉरी, मतलब आई एम टेकिंग इट एज नॉट यू नो एनीबॉडी, बट इट इज जनरल सेइंग. सो गधा जो है वो भी काम का होता है. आपको कुछ मटेरियल ऐसा करना है तो कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते लेकिन आपके काम के हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में. और जब हम टॉक्सिक लोगों की बात करते हैं कि अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ नेगेटिव वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और काम के नहीं कुछ क्रिएट कर रहे, तो आपको ऐसे लोगों को साथ में नहीं रखना है. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू भी क्रिएट करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन नेगेटिव हैं,
तो उनको आप पहले तो समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं, हो सकता है बेचारे ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हुए, जैसे हम लाइफ कोचिंग में यही सब करते हैं कि हम बेसिक टेंडेंसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आदमी सीखना चाहता है तो ही वो कर पाता है। जो हमारे पास खुद कोचिंग के लिए आता है वो बदल जाता है, वो बहुत अच्छे से बदल जाता है, वो बहुत पॉजिटिव, उसकी जो जैसे एक नेगेटिव वायरिंग हो जाती है, तो बेस्ट चीज़ भी अगर आपने ली है तो वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। मान लो आपने बहुत महंगा कोई इलेक्ट्रिकल ऐसा इक्विपमेंट लिया है, उसकी वायरिंग आपने गलत लगा दी तो वो चलेगी नहीं, तो अगर वायरिंग उसकी सही कर दो तो ही चलेगी, चाहे वो कितना ही महंगा है, कितनी ब्रांडेड है। सेम वे हमारी लाइफ में वायरिंग हुई हुई है कुछ, तो वो वायरिंग अगर गलत है तो वो बेचारे वो सोच ही नहीं पाते, उनका दिमाग ऐसे ही चलता है। तो इसलिए हम कुछ शायद मदद भी कर सकते हैं। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लाइफ कोचिंग की भी करती रहती हूँ, जिनको मुझे लगता है कि उम्मीद है मुझे। तो दूसरा है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं वैल्यू, तो आई थिंक फिर उनको रखना आप अपने एनवायरनमेंट को खराब ही कर रहे हैं। ये शेयर मेरे लिए भी है, ओके थैंक यू। सो इसलिए टॉक्सिक लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना है, बाकी हम इसको वन टू वन भी डिस्कस कर सकते हैं। एक आगे क्वेश्चन था, कपिल जी कह रहे मैम माई डॉटर ऑल्सो लिसन टू यू एंड शी वेट्स फॉर योर प्रोग्राम टू कमेंस, सो नाइस, थैंक यू सो मच कपिल जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉटर, आई होप शी डज वेरी गुड इन लाइफ। ओके, सो में कन्वर्ट किया फिजिकल एबिलिटी तो टू मेंटल एबिलिटी में कन्वर्ट किया। मुझे परवीन जी समझ नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाई डिजी मेक द डंकीज वर्क एज पर देयर एबिलिटी, एब्सोल्युटली। सो हर एक में एबिलिटी है, डंकी के बिना भी जिंदगी नहीं चलती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोग हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि हमें किसकी ज़रूरत है, कहाँ पे कौन सा है। गधे की जगह आप घोड़े को बिठा दोगे तो भी गलत है, घोड़े की जगह आप गधे को बिठा दोगे तो भी गलत है। हमें उसकी एबिलिटी पता होनी चाहिए और हम उसी तरीके से उसको डील करें। इवन वन स्विमर वॉज ऑल्सो हैव द सेम स्टोरी लाइक दिस, या दिस मेनी मेनी स्टोरीज इन द वर्ल्ड वेयर पीपल फेल्ड मिजरेबली बट देवर नॉट फेलियर्स, देवर नॉट फेलियर्स। सो प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए कि आप फेल हो सकते हैं लेकिन आप फेलियर मत बनिए प्लीज। निशी हाय, हाउ टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम फेक पीपल। आप मुझे लग रहा है थोड़ा लेट आए हैं। तो फेक पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई देम, कौन है, उनके कितने नेगेटिव वैल्यू है और उनमें पॉजिटिव क्या है, और उनके पॉजिटिव को आप कैसे यूज कर सकते हो। आइडेंटिफाई करके आप फिर आप उसको एक सिस्टम में ला सकते हो। हेलो सचिन जी, वेलकम। या मीनू, आई एम गेटिंग ऑल माई आंसर्स, गुड, आई एम हैप्पी। हाई शिवाली, या हाई, नाइस टू सी यू। हाई श्वेता, नाइस टू सी यू। सो आई एम लुकिंग फॉर क्वेश्चंस। सो देयर इज अ क्वेश्चन, इट सेज वी हैव टॉक्सिक एंड एरोगेंट पीपल इन स्पिरिचुअल फिलोसफी, व्हाट शुड वी कीप इन माइंड व्हेन एवर डीलिंग विद देम एवरी टाइम। नुपुर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मेरे पास बहुत अच्छा और क्लियर है। एक बार मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इसमें सब लोग ऐसे ही होते हैं ना, मतलब अंदर से पैसा खाएंगे, पावर के पीछे भागेंगे, तो क्या कुछ नहीं। तो मैंने उनको बोला पापा कि दिए तले अंधेरा, दिए के नीचे अंधेरा होता है, तो क्या हम रोशनी लेनी छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। तो जितना भी अंधेरा है किसी में, हमारी जब स्कूल में मॉरल साइंस टीचर हमारी होती थी, कभी आपने चेक किया कि वो अपनी सासू माँ को खाना खिलाती हैं कि नहीं? नहीं किया ना। पर आपने उनसे सीखी मॉरल साइंस, आपने सीखा कि मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, घर में ऐसा करना चाहिए, बेड ठीक करना चाहिए, हमने सब सीखा राइट। हमने ये नहीं कहा कि ये खुद तो ऐसी हैं छोड़ो, तो हमें सबसे सीखना है। हमारी एक बुद्धिज्म में स्टोरी थी कि एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल वो है जो सीखना चाहता है, तो वो एक देखता है कि एक डेविल, बिल्कुल जैसे भूतिया यू नो, तो वो एक कोई मंत्र बोलता है तो वो कहता है मुझे पूरा बता दो। वो कहता है पर मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो ब्लड चाहिए, मुझे फ्लैश चाहिए, तो ही मैं, वो कहता है मैं खुद को दूंगा, तो आप पर मुझे बताइए। उसने ये नहीं सोचा ये तो खुद ही डीमन है, ये मुझे क्या बताएगा, हु द हेल ही इज, नो। सो ही लर्नड इवन फ्रॉम हिम। सो कोई कैसा है फर्क नहीं पड़ता है, हमें सीखना है। जहां तक स्पिरिचुअलिटी की बात है, दिए तले अंधेरा पर हम रोशनी लेते रहेंगे। थैंक यू रवि जी, थैंक यू आप और संजीव, ओके थैंक यू। हाय कृतिका,
यार, नाइस टू सी यू. कैन यू गिव लाइफ कोचिंग? यस सारिका, आई डू गिव लाइफ कोचिंग. लाइफ कोचिंग इज अ वेरी वंडरफुल थिंग एक्चुअली. वो जो जैसे कल मैं अपने सेशन में बता रही थी कि लोग ना टाइम और पैसा यूज नहीं करना चाहते लर्निंग्स पे. जैसे चाहे वो हमारी हमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है, या हमारी मेंटल स्ट्रेंथ की लर्निंग्स है, लाइफ कोचिंग है. जैसे लाइफ कोचिंग में मेरे पास एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर आ रही थी, मैंने शायद किसी सेशन में बताया भी था. और वो डॉक्टर बहुत ही काबिल थी, लेकिन वो कहीं अटकी हुई थी लाइफ में. कोई ऐसे उनके लाइफ में इंसिडेंट हुआ था जो उनको खुद भी नहीं पता था. उनको ये खुद नहीं पता था कि वो ऐसे क्यों अटकी हुई हैं, वो ऐसा क्यों सोचती हैं, वो आगे क्यों नहीं चल पा रही हैं लाइफ में. लेकिन जब हमने उनके टेस्ट वगैरह किए, इट इज़ जस्ट लाइक आप मशीन में जांचन खराब है, कहाँ पे क्या गड़बड़ है, कोई ब्लॉकेड है, हम सब देख लेते हैं ना, ECG में देख लेते हैं कहाँ. सेम वे हम जो लाइफ कोचिंग है उसमें देख लेते हैं कौन कहाँ अटका हुआ है, और हम उसको हेल्प कर पाते हैं नेगेटिव वायरिंग से पॉजिटिव वायरिंग में. तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. पर पॉइंट यही है कि हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता. हमें लगता है कि यार ठीक हो, जैसा हूँ ठीक हो, बस मेरी जॉब हो जाए, बस मेरा ये हो जाए. हम दूसरी चीज़ों में फंसे रहते हैं. हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमने ये कर लिया तो जॉब में वैसे ही बहुत अच्छी कर लूँगा, तो मैं वैसे ही बहुत कुछ कमा लूँगा, मैं वैसे ही बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मेरे रिलेशन वैसे ही बहुत अच्छे हो जाएंगे. क्योंकि हमारी जो चीज़ें हमें रोक रही हैं वो हमारी चीज़ों को सबको ख़राब कर रही हैं, हमारी जॉब, हमारी सक्सेस, हमारे रिलेशंस. लेकिन हम उनको थोड़ा डील नहीं करना चाहते. ये हमारा सैड पार्ट है, स्पेशली इन इंडिया. अब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं बाहर से जो बहुत खुशी खुशी इन कोर्सेज को करते हैं, लेकिन इंडिया में थोड़ा कम है. पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं पर थोड़ा है प्रॉब्लम. ममता कह रही है, व्हेन वी एडवांस इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आर ईगो इन्फ्लेट्स. यस, ये भी सच है. इट जरूरी नहीं है. कई लोग भटक जाते हैं, उनको उसमें आ जाता है कि आई नो, मुझे मालूम है, मैं बहुत लर्नेड हूँ, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो हमें उसको उसको हमें चेक करते रहना है अपने आप को. ये सारी का आई प्रैक्टिस बुद्धिज्म. कपिल जी, अगर हम करना चाहें टॉक्सिक लोगों को अपने से सेग्रीगेट हम कर सकते हैं. ये सिर्फ हम ना हमारे माइंड के गेम है कि मैं ये नहीं कर सकता, ओ इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, ओ मैं इसको कैसे निकाल लूँ, ओ मैं इसको कैसे डील करूँ. ये हमारी सोच है. शायद इसीलिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे करना है हम कर पाएँ. आई एम न्यू गेटिंग न्यू आइडियाज. सन्ने सिंह, आई एम गेटिंग न्यू आइडियाज टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस, बट द इश्यूज आई गेट टू बिल्ड ट्रस्ट इश्यूज विद पीपल एंड डोंट नो विच प्रोस्पेक्ट विल वर्क, वॉट टू डू, आई डिवेलप ट्रस्ट इश्यूज. सानिया, इस पर हम बात कर सकते हैं, अलग से भी बात कर सकते हैं. देखिए ट्रस्ट एक ऐसी है, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं सानिया, खराब भी है लेकिन अच्छे भी बहुत हैं. अगर आप उनके करीब जाके देखो ना, लोगों के सब बहुत अच्छे लोग हैं. सब लोगों को एक्चुअली तो खुशी चाहिए, किसी को ऐसा नहीं है लड़ाई चाहिए, झगड़ा चाहिए, चीटिंग चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. इवन जो एक क्रिमिनल है ना, वो भी पता नहीं किस मजबूरी में मर्डर करता है या चोरी करता है, लेकिन वो भी बहुत प्यार वाला होता है. वो भी अपने बच्चों के लिए प्यार, उसको भी आंसू आते हैं जब वो किसी को दुखी देखता है. तो हमें ये सब थोड़ा सा ट्रस्ट करके, समझदारी से, सबके प्लस माइनस देख के हमें चलना है. हम रुक नहीं सकते हैं. अगर हमने एक बार हमारा कार से एक्सीडेंट हो गया तो क्या हम रुक जाते हैं? क्या उसके बाद हम गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं? कोई हमें धोखा दे देता है रिश्तों में, क्या हम रिश्ते करना, लेना देना, फ्रेंड बनाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना. तो ये तो चलता रहेगा. तो ट्रस्ट, आप ये मत कहिए कि मेरा ट्रस्ट खत्म हो गया, फिर तो दुनिया ही खत्म होगी, क्योंकि ट्रस्ट पे ही दुनिया कायम है. अब हमें लाइक ड्राइवर के साथ जाते हैं, सर्वेंट्स घर में होते हैं, मैं अकेली होती हूँ, तो अगर मैं सोचूं कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, फिर तो दुनिया नहीं चलेगी, है ना. तो यही लोग हैं जो मेरी फैमिली हैं. तो हमें ट्रस्ट करना है, हम विजडम यूज़ करनी है, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रस्ट ख़त्म नहीं कर सकते. Why do we only about toxication of others and not ours? Yeah, you are so right, Nupur. हमें अपने बारे में भी सोचना है कि मैं टॉक्सिक तो नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा सा कभी ऐसा करती हूँ. तो जब हम देखते रहेंगे तो हम इम्प्रूव कर पाएंगे. अगर हम देख ही नहीं रहे और हम सिर्फ बाहर देख रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता. हेलो विकास जी, वेलकम. सो अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन तो बहुत ज़रूरी है. बाहर कम कहते नो
बुरा जो देखकर मैं चला, है ना। सो वो वाली थियरी है कि हम हमारे अंदर हमारी अपनी नाव में छेद है, या हम सिर्फ बाहर देख रहे हैं, हम आईने में खुद नहीं देख रहे हैं, हम दूसरों को देखते जा रहे हैं। तो हमें अपने आप को देखना है। और आपको एक क्वेश्चन कोई रह गया शायद। फ्रेंड्स, टॉक्सिक लोगों से दूर रहे, अपने जो फेल, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में फेल हो गए हैं, प्रॉब्लम आई है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं जिंदगी में फेल हो गया। ये बिल्कुल सोचने का तरीका गलत है। आप जिंदगी में फेल नहीं हुए, आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट में फेल हुए हैं। आप अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो जो आप सीख रहे हैं वो आप साथ साथ प्लीज अप्लाई कीजिए लाइफ में। अगर आप उस कैटेगरी के लोग हैं जो कहेंगे कल करूंगा, शाम को करूंगा, प्लान करूंगा, तो आप बहुत वक्त को खराब कर रहे हैं, वो मत करिए। कहते कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान को छूकर दिखाना होता है। तो हम सबने मर जाना है, हम सबने चले जाना है दुनिया से, पर हम कुछ करके जा रहे हैं कि हम नेगेटिविटी से उलझे हुए हैं, कि हम सारा दिन सेल्फ पिटी में उलझे हुए हैं। मैं बेचारा, हम सारा टाइम सिर्फ नेगेटिव चीजें देख रहे हैं। एक चीज करिए प्लीज, अगर आप सच्ची में मेरा लेक्चर पसंद करते हैं, आप इतने प्यार से आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। आप डेली थैंक्स फील कीजिए कि मेरी जिंदगी में अच्छा क्या क्या है, इस क्वारंटाइन पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में मेरी लाइफ में अच्छा क्या क्या है जो लोगों के पास नहीं है। प्लीज काउंट योर ब्लेसिंग्स। आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल है लाइफ में। प्लीज लिखिए, आपको क्या लगता है कि आई एम सो थैंकफुल कि मुझे खाना मिलता है, आई एम सो थैंकफुल मेरे घर के काम हो रहे हैं, आई एम सो थैंकफुल मुझे राशन मिल रहा है, आई एम सो थैंकफुल मुझे रोटी मिल रही है, आई एम सो थैंकफुल मेरे घर में कोई है। जैसे मेरी बेटी बाय चांस आ गई हॉस्टल से, तो मेरा मेरे पास कोई है, मेरे पास घर में जो काम करते मेरे पास है, मेरा एक परिवार की तरह, मैं अकेली नहीं हूँ। आई एम सो थैंकफुल मुझे खाना मिल रहा है, आई एम सो थैंकफुल मुझे कोरोना नहीं हुआ है, आई एम सो थैंकफुल मुझे मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, आई एम सो थैंकफुल मैं घर में बैठ के इतने काम कर पा रही हूँ, आई एम सो थैंकफुल मैं आप सबको मिल पा रही हूँ, आप सबको इनकरेज कर पा रही हूँ, आई एम सो थैंकफुल आई एम सैंड थैंकफुल टू दिस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से मैं डेली, मेरा ख्याल कम से कम 100-150 लोगों को मिलती हूँ, कॉल्स पे मिलती हूँ, यूनिवर्सिटी से, कॉरपोरेट से, मैं उनके साथ उनकी ट्रेनिंग कॉल्स करती हूँ, अपने पर्सनल लाइफ कोचिंग की लोगों को मिल पाती हूँ, बुद्धिस्ट मेंबर्स को मिल पाती हूँ, मैं कितना कुछ कर पा रही हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू दिस टेक्नोलॉजी, आई एम थैंकफुल कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं ये कर पा रही हूँ, आई एम थैंकफुल कि मेरे अंदर लर्निंग स्पिरिट है और मैं सीखती जा रही हूँ, आई एम थैंकफुल कि मेरे को अभी एक मेरा प्रोजेक्ट था कि मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ और मैं वो लिखती जा रही हूँ। सो कितनी चीजें हैं मेरी लाइफ में थैंकफुल होने की, कितनी ज्यादा चीजें हैं। आप लोगों की भी लाइफ में आई एम श्योर बहुत कुछ होगा। सो प्लीज लिखिए आपकी लाइफ में क्या है, एक एक चीज लिखे सारे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। हेलो रजना, या सो एक एक चीज प्लीज मेंशन कीजिए, आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। कोई पेरेंट्स के लिए होंगे, कोई पार्टनर के लिए होगा, कोई बच्चों के लिए होगा, कोई खाने के लिए होगा, प्लीज लिखिए, एक एक चीज लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज लिखिए, आई एम वेटिंग। इतने में आपको एक और शेयर सुनाती हूँ। एक शेयर तो जो मेरे ने अपनी जिंदगी पे, मैं बोलती हूँ, शाख से जो टूट जाए हम वो पत्तियां नहीं, शाख से जो टूट जाए हम वो पत्तियां नहीं, तूफानों से कह दो कि वो औकात में रहें। शाख से जो टूट जाए हम वो पत्तियां नहीं, तूफानों से कह दो कि वो औकात में रहें। सो मैं वेट कर रही हूँ आपके। हेलो अनु, नाइस टू सी यू। सो प्लीज अपने ग्रेटिट्यूड आपको किस किस चीज का लिखे आप प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स, प्लीज एक चीज तो लिखे प्लीज। जीत, एक और शेयर सुना रही हूँ आपको, कि
क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हमें आपके शेयर बहुत पसंद हैं। मैं आपके ग्रेटिट्यूड की स्टिल वेट कर रही हूँ, प्लीज़ लिखिए। जीत इतनी मुश्किल नहीं, जीत इतनी मुश्किल नहीं, बस मेहनत दमदार होनी चाहिए। जीत इतनी मुश्किल नहीं, बस मेहनत दमदार होनी चाहिए। मंजिल इतनी दूर नहीं, मंजिल इतनी दूर नहीं, बस हौसलों में, बस हौसलों में जान होनी चाहिए। सो हेलो मीनू या हाय निधि। आप प्लीज़ ग्रैटिट्यूड फील करें। आज आपको मेरे जो कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड लिख के भेजना है कि आप किस किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं, तो मैं मानूंगी कि आप रियली कुछ सीख रहे हैं और आप अपनी इस मोटिवेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। आप सिंपल गुड लेक्चर कह के नहीं जा रहे हैं, थैंक यू मैम, आई एम लाइकिंग इट, माई डॉटर इज़ लाइकिंग इट, इट्स नॉट अबाउट दैट। Also, it's wonderful. It's a great feeling for me. But आपको खुद क्या फील हुआ, क्या चेंज फील हुआ, आपने ग्रेटिट्यूड फील किया या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज लिखिए, आई विल बी ग्रेटफुल, आई विल बी हैप्पी दैट यू हैव रिकग्नाइज वट इज सो ग्रेट अबाउट योर लाइफ। यू आर हैप्पी, यू आर अप्रिशिएटिव, यू आर थैंकफुल टू गॉड। या प्लीज फील ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू टुमारो 6 o'clock। और कोई टाइम मैनेजमेंट पे आप चाहेंगे कि मैं बात करूं, कोई और टॉपिक आप चाहेंगे मैं बात करूं, प्लीज़ आप ज़रूर लिखिए कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है। किसी ने डिमांड की थी, कल मिलन बावा ने डिमांड की थी कि मैं यूथ पे लिखूं, लेकिन यूथ कितना है मुझे नहीं। आप फाइनेंशियल कोई उस पर चाहते हैं, आप कोई और किसी तरह के कोच अपना पॉइंट लिखिए, तो हम इस पर कल फिर मिलेंगे, कल फिर बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आई थिंक बीच में फ़ोन अटक गया था। आई एम थैंकफुल दैट आई केम इनटू दिस बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड एनकाउंटर्ड मैनी मोर पर्सन्स लाइक यू, मोर लाइक फैमिली। थैंक यू सानिया, येस इट्स सो वंडरफुल, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल। आई एम निशी कह रही हैं, वाओ, आई एम ग्रेटफुल टू टॉक्सिक पीपल इन माई लाइफ बिकॉज दे हैव गिवन मी द चांस टू एनहेंस माई विजडम, मेक मी मोर पेशेंट एंड टू ग्रो इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, स्टिल वर्किंग ऑन इट। वाओ निशी, वेरी नाइस। सानिया की चाह रही हैं टाइम मैनेजमेंट पे करना, हकीकत चाह रहे हैं इंक्रीज पॉजिटिव थिंकिंग। रेखा कह रही है इमोशनल स्ट्रेंथ पे, वो तो हम बात कर ही रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ पे डेली बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी पे भी बात कर रहे हैं। शिवाली कह रही है फाइनेंशियल कर्मा, सानिया कह रही है फियर मैनेजमेंट, ओके। आई एम ग्रेटफुल, अनुपम अनु कह रही है यूके से, आई एम ग्रेटफुल टू हैव माई पेरेंट्स हु ब्रिंग मी इन दिस, हु ब्रॉट मी इन दिस वर्ल्ड एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव कॉन्सन इन माई लाइफ एंड दीदी यू आर द मोस्ट लविंग पर्सन टू हुम आई एवर मेट, थैंक यू सो मच। कोमल कह रही है डिप्रेशन पे, शिवानी कह रही है रिलेशन पे, टाइम मैनेजमेंट, थैंक यू सो मच। या थैंक यू सरोज जी, सो नाइस, थैंक यू। ह्यूमन रेवोल्यूशन पे, ओके, टाइम मैनेजमेंट। सो कल हम, मेरा कल काफ़ी लोगों ने टाइम मैनेज की, माइंड की बात की, हम मेन उस पर करेंगे और कुछ टॉपिक और भी लेंगे छोटे छोटे। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं 6 बजे फेसबुक लाइव। थैंक यू सो मच। लीडरशिप पे, ओके, वंडरफुल। लीडरशिप और कम्युनिकेशन पे मैं कुछ प्रोग्राम भी बना रही हूँ, तो आप लोगों को जो चाहते हो इन पे, तो आप प्लीज़ अपने अपने नाम दीजिए। ये मेरी वेबसाइट है, जो मेरे ऑफिस से किसी ने डाली है इस पे, तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और अपने नाम दीजिए, सो दैट मैं उस हिसाब से देखूँ कि कितने लोग हैं, तो मैं वो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रही हूँ जिसमें मैं कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप डेवलपमेंट पे कुछ करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड कीप वॉशिंग योर हैंड्स, डोंट फॉरगेट, डोंट गेट लिबरल की अब तो ठीक हो रहा है, खुल रहा है, नहीं, डोंट डू दैट। ये दोबारा आ सकता है, बहुत बुरी तरह तरीके से आ सकता है और हम फिर लॉकडाउन में चले जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान रखिए और अपने पैसे को बहुत बचा के रखिए, रिसोर्सेज को बचा के रखिए, इसको लाइटली मत लीजिए। हाय रेनू, यू आर देयर, आई डिड नॉट नो, थैंक यू। टाइम मैनेजमेंट, ओके, सो टुमारो वी आर मीटिंग एट 6 o'clock, लव यू ऑल, बाय।